500 साल बाद अयोध्या में राम नवमी का उत्सव मनाया गया। देश के करोड़ों सनातनियों के लिए ये खुशी का मौका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर इमोशनल थे। भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य तिलक देखकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उस भाव के पीछे की वो कहानी थी जहां पर कहा जाता है कि पीएम मोदी ने आराम नहीं किया बल्कि प्रभु श्री राम का काम किया है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। आज की तारीख कुछ खास है क्योंकि आज की तारीख में सूर्यवंशी राम के मस्तक पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ी। रामलला अपने घर आ चुके हैं, पूरा देश उनके जन्मदिन का उत्सव मना रहा है, करोड़ों सनातनी रामनवमी मना रहे हैं। भगवान श्री राम की इन तस्वीरों को देख 140 करोड़ देशवासी हर्ष में हैं, लेकिन कोई है जो इमोशनल है, और वो इसलिए इमोशनल है क्योंकि मामला पर्सनल है। नवरात्रि का उपवास है, बिना खाए पिए पीएम राम के काम में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में समय बिता रहे हैं, बिना खाए पिए भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मोदी की तस्वीरें भावुक कर देने वाली है क्योंकि इन तस्वीरों में मोदी का संकल्प पूरा हुआ है। मोदी ने जो वचन दिया था वो वचन पूरा हुआ है। आज देश राममय है, पूरी दुनिया में सनातन का स्वर्ण काल चल रहा है, सनातन का स्वाभिमान फिर जागा है। सनातन का वो स्वाभिमान जो 500 वर्ष पहले खंडित हुआ था, अब उस स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का दौर चल रहा है, वो स्वाभिमान जीवंत हो रहा है, यही सनातन का स्वर्ण काल है।